चलिए अब हम लोग मैट्रिक स्पेस पे अप्रोच कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस का सेक्शन भी शुरू कर रहे हैं। लिखिए कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड बोल्जानो विस्ट्रेस प्रॉपर्टी। कॉम्पैक्टनेस एंड बोल्जानो विस्ट्रेस प्रॉपर्टी। कॉम्पैक्टनेस एंड बोल्जानो विस्ट्रेस प्रॉपर्टी। ठीक, पहली हेडलाइन डालिए ओपन कवर, ओपन कवर, ओपन कवर छोड़ दीजिए। पहले हम आपको पूरी समरी समझा दें कि एक्चुअली में कॉम्पैक्टनेस का अर्थ आया कहाँ से, कॉम्पैक्टनेस पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन चीज़ों को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। पहले हम इतना समझा दें, तब फिर हम एक एक करके लिखवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट का पहले तो अर्थ समझ लीजिए। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है दबा के छोटा कर देना। रबड़ की बॉल होती है, प्रेस करिए, छोटी होती जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब संक्षिप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस मतलब किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके छोटा कर देना। अगर कोई चीज़ कंप्रेस हो गई, छोटी हो गई, तो यहाँ पे उसका क्या हमको मतलब मिलेगा? कोई चीज़ कंप्रेस हो गई, अगर छोटी हो गई, तो वो किसी भी दूसरी चीज़ में आसानी से कंटेन कर जाएगी। जैसे मेरे पास इतना बड़ा डब्बा हो, एक बॉल हो, बॉल को उसमें डाल रो ना जा रही हो, दबा देंगे, कंप्रेस हो गई, फिर डालेंगे तो बहुत आराम से चली जाएगी। ठीक है, तो कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है दबा देना। अगर कोई चीज़ दब करके छोटी हो गई तो वो किसी बड़ी चीज़ में आराम से कंटेन कर जाएगी। यहाँ भी हम उसका इसी तरह से सेंस लेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए जो परिभाषा यूज़ होती है वो होती है आपकी ओपन कवर। सबसे पहली परिभाषा होती है इसकी ओपन कवर, ओपन कवर। नाम से क्लियर है ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो कवर कर ले जाए, ओपन सेट्स का कलेक्शन जो क्या कर ले जाए, कवर कर ले जाए। मतलब कवर क्या होता है, कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, क्या करती है वो, कॉपी को ढक देती है, मतलब कॉपी को खुद में कंटेन कर लेती है। तो कवर का काम होता हमेशा ढकना। जैसे हमने उसके ऊपर ये क्लोथ डाल रखा है तो ये क्लोथ क्या कर रहा है, इस टेबल को कवर कर रहा है। कवर कर रहा है मतलब इस टेबल को ढक दे रहा है, मतलब ये टेबल इस कपड़े के अंदर कंटेन कर गई, ये टेबल इस कवर के अंदर कंटेन कर गई, आपकी कॉपी कवर के अंदर कंटेन कर गई, है ना। अब देखिए, मान लीजिए एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ध्यान से देखिएगा, ई एक्स का कोई सबसेट है। ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन। जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, कलेक्शन है ओपन सेट्स का, कलेक्शन है ओपन सेट्स का। तो हम कहते हैं कि ओपन सेट्स का कलेक्शन, ओपन सेट्स का कलेक्शन कवर ऑफ ई कहलाएगा तब जबकि ई ढक जाए, ई कंटेन कर जाए यूनियन ऑफ जी अल्फा में। ओपन कवर का मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो कवर की तरह काम करे,
कवर मतलब आपकी कॉपी का कवर, आपकी कॉपी का कवर क्या करता है, कॉपी को खुद में कंटेन कर ले जाता है। मैट्रिक स्पेस लिया, उसका सबसेट लिया, ओपन सेट्स का कलेक्शन लिया, ओपन सेट्स का कलेक्शन ई का कवर कहलाएगा अगर वो ई को खुद में कंटेन कर ले जाए। एक्स का कवर कहलाएगा अगर एक्स को खुद में कंटेन कर ले जाए, ठीक है। ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो कवर करने का काम करे। एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस, ई उसका कोई सबसेट, जी अल्फा ओपन सेट्स का कलेक्शन, ये कवर ऑफ ई कहलाएगा अगर ये ई को खुद में कंटेन कर ले जाए, ठीक है। फिर देखिए, अगर हम ओपन कवर ऑफ एक्स की बात करें तो कहेंगे एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस, यहां हमने कवर ऑफ ई की बात किया था तो ई को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, लेकिन यहां हम ई की बात नहीं कर रहे बल्कि किसकी बात कर रहे हैं, एक्स की। तो किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्स को। ई को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, ओपन ये ई को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी बारी, जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ओपन सेट्स का कलेक्शन है, ठीक। तो कहेंगे कि ये ओपन कवर ऑफ एक्स बनाएगा तब जबकि ये एक्स को खुद में क्या कर ले जाए, कंटेन कर ले जाए, ठीक है। मगर ये क्या, आप तो कहते हैं कि कोई भी चीज हमेशा और हमेशा पूरे के पूरे स्पेस में क्या करती है, कंटेन करती है। कभी कोई चीज़ स्पेस के बाहर तो जाती नहीं है, हमेशा स्पेस में क्या करती है, कंटेन करती है। तो जब इसको और इसको आप कंबाइंड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फा। मतलब स्पेस के केस में ये क्वालिटी हो जाता है जबकि बाकी सारों के केस में कंटेन हो जाता है, ठीक है अभिषेक, ठीक है। स्पेस के केस में इक्वलिटी हो जाता है जबकि बाकियों के केस में कंटेन होता है। कॉपी कवर में कंटेन करती है, ठीक। ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो फलाने सेट को कवर कर ले, कवर कर ले मतलब फलाना सेट उसके यूनियन में कंटेन कर जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरी परिभाषा होती है सब कवर, नाम से ही क्लियर होगा। सब मतलब होता है सबसेट, कवर मतलब कवर करने लग जाए। अगर जी का एक सबसेट ऐसा मिले जो वापस से ई को कवर कर जाए तो उसको सब कवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ई एक्स का कोई सबसेट है, जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है, इस प्रकार से कि ये ओपन कवर ऑफ ई है, ये ओपन कवर ऑफ ई है। अगर ये ओपन कवर है तो ई कंटेन कर जाएगा यूनियन जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स में। यहां तक कोई डाउट? अगर ओपन कवर का एक सबसेट मिल जाए, सबसेट को देखिएगा भाई कैसे लिखते हैं, जी अल्फा आई। जब सबसेट लिखते हैं तो एक इंडेक्स बढ़ जाता है, ये सबसेट की पहचान होती है, इस चैप्टर में पहचान है। अगर अल्फा के साथ एक इंडेक्स बढ़ गया तो ये अल्फा वाले का सब कलेक्शन है, इंडेक्स का बढ़ना सब कलेक्शन दिखाएगा, इंडेक्स का बढ़ना सब कलेक्शन दिखाएगा। जी अल्फा के साथ एक इंडेक्स बढ़ा तो ये
इसका सब कलेक्शन है। जी अल्फा आई इज सब कलेक्शन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक, अगर ये भी ई को खुद में कंटेन कर ले जाए, अगर इसका यूनियन भी ई को खुद में कंटेन कर ले जाए तो ओपन सेट्स का सब कलेक्शन भी ई को कवर कर गया। ओपन सेट्स का सब कलेक्शन ई को कवर कर गया, इसलिए सब कवर कहलाया। तो इसको बोलते हैं सब कवर ऑफ ई। ओपन सब कवर मतलब ओपन सेट का सब कलेक्शन जो ई को कंटेन कर ले जाए, ई को कवर ले कर ले जाए, उसको बोलते हैं सब कवर। सबसेट कवर कर ले जाए, किसका सबसेट? ओपन सेट्स का सबसेट। ठीक है, तो ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो ई को कवर कर ले। सब कवर का मतलब ओपन सेट का सबसेट जो ई को कवर कर ले। तो ये है आपका ओपन कवर और सब कवर। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं? क्लियर है ये कंसेप्ट? अब है मेन टॉपिक कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट सेट दो बात पढ़ाएंगे, कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट स्पेस। जब स्पेस की बात करेगा तो एक्स पे डिस्कशन करेंगे, जब सेट की बात करेगा तो स्पेस का एक सबसेट पे डिस्कशन करेंगे। जैसे ये डिस्कशन सेट पे था, स्पेस पे था, और ये डिस्कशन सेट पे था। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट लिखा है तो मान ले रहे हैं एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है और ई उसका कोई सबसेट है। ठीक है, सेट की बात कर रहे हैं तो ई को कॉम्पैक्ट सेट कहेंगे तब जब इसके सारे के सारे ओपन कवर, ऑल ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर रखे। क्या मतलब हुआ कि ई का कोई भी आर्बिटेरी ओपन कवर लीजिए, ई का कोई भी आर्बिटेरी ओपन कवर लीजिए, मतलब वो इसको कवर कर रहा हूं, अगर इसका एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। फाइनाइट सब कवर का मतलब ये फाइनाइट कब बनेगा? जब इसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो, मतलब i इज इक्वल टू 1 to n हो। फाइनाइट सब कवर का मतलब एक तो ये सब कवर हो, दूसरा कैसा हो? फाइनाइट, मतलब इसमें एलिमेंट्स की संख्या कैसी हो? फाइनाइट। i इज इक्वल टू 1 to n, जिसको आप काउंट कर सको। अगर इसके हर एक ओपन कवर का, मतलब आर्बिटेरी ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो उस केस में इसको हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए करते क्या हैं? मान लीजिए हमको ई को कॉम्पैक्ट सेट दिखाना है तो हम सबसे पहले ई का आर्बिटेरी ओपन कवर लेंगे। ई का क्या लेंगे? आर्बिटेरी ओपन कवर, मतलब ये आर्बिटेरी है, ओपन कवर है, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनली दिखा देंगे कि किसी तरीके से हमको एक जी अल्फा आई, आई इज इक्वल टू 1 to n मिल रहा है, जो कि इसी का सबसेट है। अगर इसका सबसेट है तो ये भी ओपन सेट्स का कलेक्शन। अगर ये ई को कंटेन कर ले गया तो सब कवर बना ले गया। चूंकि एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट है तो फाइनाइट सब कवर बना ले गया। आर्बिटेरी ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिला तो
तो सारे के सारे ओपन सेट का फाइनाइट सब कवर मिलेगा, और जब सारे ओपन सेट का फाइनाइट सब कवर मिल गया तो वो अपने आप कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इतना लिखवा दें पहले, समझ में आया? ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो कवर करने का काम करें, सब कवर का मतलब ओपन सेट्स का सब कलेक्शन जो कवर करने का काम करें, जो भाषा हम बोल रहे हैं बस वही बोलिए। ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन जो कवर करने का काम करें, सब कवर का मतलब ओपन सेट्स का सब कलेक्शन जो कवर करने का काम करें, कॉम्पैक्ट सेट का मतलब हर एक ओपन सेट का फाइनाइट सब कवर हो, ओपन सेट का फाइनाइट सब कवर हो, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट सेट। फाइनाइट सब कवर का मतलब सब कवर में एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो, मतलब i इज इक्वल टू 1 to n। देखिए हमने यहाँ i का कुछ मान नहीं लिखा था, इंडेक्स बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बना दिया? फाइनाइट, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए इसको फाइनाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए लिखिए। पहली हेडलाइन है ओपन कवर, लेकिन लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स, एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स, फुल स्टॉप। आ फैमिली, आ फैमिली जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, आ फैमिली जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ऑफ ओपन सेट इन कैपिटल एक्स, ऑफ ओपन सेट इन कैपिटल एक्स कॉमा इज सेड टू बी ओपन कवर ऑफ ई, इज सेड टू बी ओपन कवर ऑफ ई, इज सेड टू बी ओपन कवर ऑफ ई इन कैपिटल एक्स, इन कैपिटल एक्स आई डबल एफ इफ, किसके ओपन कवर की बात किया है? ई की, I double F if ये E is contained in union alpha belongs to index G alpha, हो गया। ये हम remark में कल के लिखवा रहे हैं, ठीक है, बस हम यही result लिखवाएंगे, क्योंकि अगर ये open cover होगा तो X को contain करेगा, लेकिन आपको पता है सारी की सारी चीज़ें खुद कहाँ contain करती हैं? X में। इन दोनों equality को मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा। Remark लिखिए, for a metric space X comma D, for a metric space X comma D, a family, a family g alpha, alpha belongs to index, हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे इसको, g alpha, alpha belongs to index, a family g alpha, alpha belongs to index of open set in capital x, of open set in capital x comma is said to be an open cover, is said to be an open cover of capital X, of capital X I double F if X is equal to ये वाला, हो गया। दूसरी हेडलाइन डालिए सब कवर,
सब कवर लिखिए. इफ अ सब फैमिली जी डैश इज इक्वल टू ये जी डैश इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में जी अल्फा आई I belongs to index dash of an open cover G alpha belongs to index G alpha alpha belongs to index of E in capital X मतलब एक सब कलेक्शन है किसका ओपन कवर जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स का. अगर ये सब कवर भी ई को कवर कर गया तो सब कवर कहलाएगा. ठीक है. इन कैपिटल एक्स कॉमा इज ऑल्सो कवर्स ई दैट इज E is contained in union I belongs to index dash G alpha I. Then we say that G dash is a sub cover of capital E. Example. Example. जरा ब्लैकबोर्ड पे समझ लीजिए पहले. ये मिटा रहे हैं इधर वाला. एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. चलिए देखिए. यूजुअल मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं आर कॉमा डी यूजुअल मैट्रिक स्पेस है. मतलब डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई. साथ ही साथ आपको पता है ओपन सेट इज एन ओपन स्पेयर एंड ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस. सबसे पहले हमने आर कॉमा डी मैट्रिक स्पेस ले लिया. हम इसका सब कवर की बात करना चाह रहे हैं. किसके सब कवर की? आर के सब कवर की. तो सबसे पहले हम आर का ओपन कवर लेंगे. ओपन कवर मतलब जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स. ओपन सेट ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट एंड ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस. तो अगर हम माइनस एन कॉमा एन एन बिलोंग्स टू एन ले लें ओपन सेट ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट एंड ओपन स्पेयर इज इन द फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल. आपको पता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है. तो ये इज इक्वल टू इतना मतलब ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है. इतने में कोई डाउट? चेक करवाइए कि ये आर को कंटेन कर रहा है कि नहीं. मेरे हिसाब से R इज इक्वल टू यूनियन ऑफ माइनस n कॉमा n होगा जहाँ n n में पाया जाएगा. कैसे? देखिए कैपिटल R का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
थ्री फोर प्लस इनफाइनाइट माइनस वन माइनस इनफाइनाइट। ठीक, पहला होगा माइनस वन कॉमा वन, दूसरा होगा माइनस टू कॉमा टू, तीसरा होगा माइनस थ्री कॉमा थ्री, बढ़ते चले जाएंगे, आखिरी होगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट। इन सब का यूनियन ले लिए तो ऑब्वियसली वो आर को खुद में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ओपन कवर है आर का। ठीक, अब देखिए एक इसका सब कलेक्शन ले रहे हैं, जी डैश इज इक्वल टू माइनस टू एन कॉमा टू एन, एन बिलोंग्स टू एन। पहले तो ये जज करिए क्या ये जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स का सबसेट है या नहीं, मतलब इसका ये सबसेट है या नहीं। इसके एलिमेंट्स होते हैं माइनस वन कॉमा वन, माइनस टू कॉमा टू, माइनस थ्री कॉमा थ्री एंड सो ऑन। ठीक, इसके एलिमेंट्स होंगे वन रखिए माइनस टू कॉमा टू, माइनस फोर कॉमा फोर, माइनस सिक्स कॉमा सिक्स एंड सो ऑन। ये इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, अगर सबसेट है तो ये इसका सब कलेक्शन है। अब बस इतना चेक करिए क्या ये भी आर को खुद में कंटेन करेगा, करके देखिए। चलिए देखिए, आर इज इक्वल टू, क्या आर को लिखा जा सकता है माइनस टू कॉमा टू यूनियन माइनस फोर कॉमा फोर यूनियन माइनस सिक्स कॉमा सिक्स यूनियन एंड सो ऑन। देखिए आर ये है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। पहला इंटरवल है माइनस टू कॉमा टू, दूसरा इंटरवल है माइनस फोर कॉमा फोर, तीसरा इंटरवल है माइनस सिक्स कॉमा सिक्स। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस टू इंटू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, प्लस टू इंटू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। ये क्या इन सब का यूनियन भी आर को कंटेन नहीं करेगा? करेगा, जब करेगा तो इसका मतलब है कि आर भी कंटेन कर जाएगा यूनियन ऑफ माइनस टू एन कॉमा टू एन में, जहां एन कहां का एलिमेंट होगा, एन का। तो इसका मतलब ये इसका सब कलेक्शन था और इसको कवर करने का काम किया, मतलब क्या बना लिया, इसका सब कवर बना लिया। ठीक है, तो ओपन कवर का सब कवर इस तरीके से निकालते हैं। कुछ थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, थोड़ा ही बहुत। ठीक है, बड़े आगे बड़े दुखी हो गए आप लोग, क्या बात हो गई, आज हम सबका सुबह से दुख देख रहे हैं। डिपार्टमेंट से निकले एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के दो बच्चे दौड़ते हुए आए, उन्हीं दोनों बच्चों ने आप लोगों को वो एमएससी एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन पेपर भेजा था हमको। ठीक है, पढ़ के अपने यहाँ से निकले, मैम टोपोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, मैम क्या करें, एकदम रो रहे हैं हम कि अब दो महीने बाद बात करिएगा। मतलब आज हम सुबह से सबका दुख देख रहे हैं। डिपार्टमेंट पहुँचे, पहुँचने के साथ एकदम मनहूसियत छा रखी थी, क्या हुआ, प्रिंटर ख़राब हो गया, काम था, चलो ठीक है। सर आए, बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, हम के चलो वो भी ठीक है। मतलब सुबह से मनहूसियत एकदम छाई हुई है आज। ठीक है आप लोग, सबसे पहले आर कॉमा डी मैट्रिक स्पेस, इसका ओपन कवर लेना है, मतलब ओपन सेट्स का कलेक्शन। ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, तो ओपन इंटरवल ले लिया यूजुअल मैट्रिक स्पेस में, जाहिर सी बात है ये आर को कंटेन कर रहा है इस तरीके से।
ओपन सेट्स का कलेक्शन जो आर को कवर कर रहा है, मतलब ये ओपन कवर बना लेगा। अब हमने इसका एक सबसेट लिया ये, इसमें ये सारे एलिमेंट्स थे जबकि इसमें ये थे, जाहिर सी बात है ये इसमें कंटेन करेगा, ये इवन नंबर को रख रहा है जबकि ये सबको रख रहा है, तो ये इसमें कंटेन करेगा, तो ये इसका सब कलेक्शन है। चूँकि इस डायग्राम के बिहाफ से आर इसमें कंटेन कर गया, मतलब इसका यूनियन भी आर को कंटेन कर गया, तो सब कलेक्शन आर को कवर कर रहा है, मतलब सब कवर बना रहा है। तो हमने दिखा दिया कि किस तरीके से यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन कवर का एक सब कवर हमको मिल गया। अगर यही सब कवर फाइनाइट हो जाता तो आर कॉम्पैक्ट हो जाता, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि ये फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, यहाँ ओपन कवर का सब कवर मिला है, ये फाइनाइट नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं है। अगर फाइनाइट मिल जाता तो आर कॉम्पैक्ट हो जाता, लेकिन उसकी चर्चा भी हम थोड़ा रुक करके करेंगे। ठीक है, लिखिए, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, लेट आर कॉमा डी बी आर यूजुअल मेट्रिक स्पेस, लेट आर कॉमा डी बी आर यूजुअल मेट्रिक स्पेस एंड ये जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस एन कॉमा एन, एन बिलोंग्स टू एन। लिख लिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, देख लीजिए, इसकी जगह एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट भी लिखते हैं, एक ही चीज है। एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी अगर आप लिखते हो तो उसका मतलब भी वही है कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। बता इसलिए दिए कि बाद में हल्ला ना हो, अरे ये तो हम मैम ये लिखवा दी, हम वो पढ़ लिए वो लिख लिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, बी द फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन आर कॉमा डी, बी द फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन आर कॉमा डी, बी द फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन आर कॉमा डी सच दैट इट फॉर्म्स एन ओपन कवर ऑफ जी, सच दैट इट फॉर्म्स एन ओपन कवर ऑफ आर, सच दैट इट फॉर्म्स एन ओपन कवर ऑफ कैपिटल आर, दैट इज ये आर इज इक्वल टू यूनियन एन बिलोंग्स टू एन माइनस एन कॉमा एन। ये वाला डायग्राम जरा जल्दी से बना लीजिए, बन गया। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, लेट अस कंसीडर अ सब फैमिली, लेट अस कंसीडर अ सब फैमिली जी डैश, ये केवल इतना लिखिएगा, जी डैश इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में ओपन इंटरवल माइनस टू एन कॉमा एन, करली ब्रैकेट के बाहर एन बिलोंग्स टू एन ऑफ कैपिटल जी, दैट इज
दैट इज, ये लाइन पूरी लिख लीजिए आप यहाँ तक, ये पूरा लिखिए. उसी को जी नाम दे दिया है. हो गया. आगे बोले, सच दैट ये लाइन लिखो, दिस इम्प्लाइज करके ये लाइन लिखिए, ये लाइन दिस इम्प्लाइज करके ये लाइन. हो गया. डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए दूसरे वाले के लिए. फिर नीचे से लिखिए, हैंस द सब फैमिली ऑफ जी, हैंस द सब फैमिली ऑफ जी, हैंस द सब फैमिली ऑफ जी. जी का मतलब जी इज इक्वल टू जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स. हैंस द सब फैमिली ऑफ जी इक्वल टू जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, मतलब इसी की सब फैमिली आर को क्या कर रही है, कवर कर रही है. अगर सब फैमिली ने आर को कवर कर लिया तो वो सब कवर बन गया. हैंस द सब फैमिली ऑफ जी इज इक्वल टू जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, Also covers capital R. Also covers capital R. Also covers capital R. Full stop. Hence, G dash is a sub cover of capital R. Hence, G dash is a sub cover of capital R. हो गया. दूसरा वाला डायग्राम बना लीजिए जहां जगह छोड़ा है आपने. ये गोरखपुर महोत्सव नहीं गए घूमने आप लोग? बहुत ठंड है. कौन भैया? दीदी भैया कौन आ गया मेरा? हाँ भैया रुको, आ रहे हैं. उसका लिरिक्स देख लेंगे.
चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखिए, ये आर मतलब क्या हुआ? अच्छा, सब कवर का क्या मतलब होता है? ओपन सेट्स का सब कलेक्शन जो आर को कवर कर ले जाए। आपको बताएं पूरे स्पेस के केस में इक्वल टू आ जाता है। ये ओपन कवर था, इसका सब कलेक्शन मिला, इसी सब कलेक्शन का यूनियन आर को खुद में कंटेन कर रहा है ना। आर को कंटेन करने का मतलब यही ना जानते हैं, लेकिन स्पेस के लिए बताए थे कि वो चीज़ क्या कन्वर्ट हो जाती है, इक्वल टू में। क्योंकि अगर आर इसमें कन्वर्ट करेगा तो ये भी आर में कन्वर्ट करेगा, और जब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इक्वल टू। ठीक है, अब समझ में आया? ये सब कवर है, देखिए ये इसका सब कलेक्शन है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, और इसका यूनियन आर को खुद में कवर कर रहा है। तो जब सबसेट आर को कवर करेगा, सबसेट कवर करेगा, तो सब कवर कहलाएगा। ये इसका सबसेट है या नहीं पहले देख के बताइए। है, क्योंकि इसमें इवन नंबर्स हैं और इसमें इवन और दोनों हैं, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और इन सब का यूनियन आर को कवर कर रहा है। सबसेट्स कवर कर रहे हैं तो सब कवर कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, सब कलेक्शन कवर कर रहे हैं, या सब फैमिली कवर कर रही है, या सबसेट्स कवर कर रहे हैं, तो वो सब कवर कहलाएंगे। ये इसका सबसेट है, ये इसका सब कलेक्शन है, क्योंकि इसी में से ये निकला है, ये इसका सब फैमिली है क्योंकि इसी में से निकली है, और इसने आर को कवर भी कर दिया, इसलिए ये फैमिली आर का सब कवर कहलाएगी। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 200 लोग बैठ जाएं, कमरे को कवर कर रहे हैं, 100 को भगा दें तब भी 100 कवर कर रहे हैं, तो 200 में से 100 को खींच लिया, सब कलेक्शन ले लिया, वो भी इस कमरे को कवर कर रहे हैं, तो सब कवर कहलाएंगे। 200 लोग थे कमरे में, भूस भूस के एकदम बैठा दिए, एक के सिर के ऊपर दूसरा, एक के कंधे पे दूसरा चढ़ करके बैठा दिए, कमरे को कवर कर रहे थे, तो ओपन कवर हो गए। 100 को हमने भगा दिया और केवल 100 को रखा, उसी में से 100 निकले, वो भी कमरे को कवर कर रहे हैं, तो वो सब कलेक्शन है, कमरे को कवर कर रहा है, तो सब कवर कहलाएगा। 200 लोग थे, आर को कवर कर रहे थे, ओपन कवर हुआ, इसमें से 100 को छाट लिया, वो भी आर को कवर कर रहा है, 100 को छाटा, सब कलेक्शन, आर को कवर कर रहा है, मतलब सब कवर। ठीक है, अब समझ में आया? आगे बढ़े, फिर लिखिए कॉम्पैक्ट सेट, हेडलाइन डालिए कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट का मतलब अगर हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिले, हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेट। जरा लगे हाथ कॉम्पैक्ट स्पेस भी देख लीजिए, कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट स्पेस, स्पेस में मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी की बात करेंगे, और सेट में मैट्रिक स्पेस के सबसेट की बात करेंगे। अगर एक्स के हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिले फॉर ऑल, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिले, तो एक्स को कॉम्पैक्ट स्पेस कहते हैं।
और यहाँ अगर ई के फॉर ऑल ओपन कवर ऑफ ई, अगर ई के हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिले तो उसको कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही पहले वाला प्रोसीजर। सबसे पहले ओपन कवर लेंगे माइनस एन कॉमा एन, चेक करेंगे कि वो ई या एक्स को खुद में कंटेन कर रहा है या नहीं, फिर 200 में से 100 को छाटेंगे, फिर चेक करेंगे वो सब, बस छाटा तो सब कलेक्शन मिल गया, चेक करेंगे कि वो भी ई या एक्स को कवर कर रहा है या नहीं, कवर कर गया तो सब कवर बना दिया। अब चेक करेंगे कि उस सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स है या नहीं, अगर फाइनाइट एलिमेंट्स मिले तब तो वो कॉम्पैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब 200 में से 100 मिले, 100 फाइनाइट है तो वो कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन अनगिनत में से अनगिनत मिले तो उसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो आपका कॉम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे आपका आसमान, कितने तारे हैं, कितने तारे हैं, इनफाइनाइट, सब आकाश को कवर कर रहे हैं तो वो ओपन कवर बनाए। ठीक है, जरा सा उसमें से 20 तारों को बोल दीजिए किनारे हो जाएं, 20 किनारे हो गए, इनफाइनाइट में से 20 घटा, सब कलेक्शन मिला, वो भी आकाश को कवर कर रहा है तो वो सब कवर बनाया, लेकिन इनफाइनाइट में से 20 घटेगा तो अमृता माइनस 20 आएगा, कितना इनफाइनाइट आएगा, तो वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए आकाश आपका कॉम्पैक्ट नहीं है, तभी कहते हैं वो बहुत विस्तृत है, कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ये इसकी मेन परिभाषा, किसी को भी कॉम्पैक्ट होना होगा, कंप्रेशन करना होगा, दबना होगा, तो वो जिन चीज़ों से मिल करके बना होगा वो फाइनाइट होंगी। ठीक है, अगर सब कलेक्शन फाइनाइट नहीं है, भाई पहले इतनी बड़ी गेंद थी 100 लोग से बनी, कॉम्पैक्ट कर दिया 50 लोग से बनी, पहले इसको 100 लोग कवर कर रहे थे, अब इसको 50 कवर कर रहे हैं, पहले 100 कवर कर रहे थे तो ओपन कवर था, 50 कवर किए तो सब कलेक्शन सब कवर बन गया, लेकिन कितने लोग सब कवर बनाए, 50, क्यों, क्योंकि ये सीमित है, कॉम्पैक्ट है, सिकड़ी हुई है, आकाश हमारा फैला हुआ है, विस्तृत है, इसीलिए आकाश कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है क्योंकि ये गिनती के लोगों से मिलके बनी है, 50 लोगों से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कॉम्पैक्ट होगी तो उसमें संख्या सीमित करनी पड़ेगी, असीमित है तो वो विस्तृत है, मतलब वो कॉम्पैक्ट नहीं है बल्कि एक्सपेंडेड है। अब ऐसे अंतर को फील करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब लिखिए कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड के इज सबसेट ऑफ एक्स, हमने के ले लिया है, एंड के इज सबसेट ऑफ एक्स, जनरली हम लोग के ही अब लिखेंगे। ठीक है, ई नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, के लेंगे, कॉम्पैक्टनेस सी कॉम के, के इज सबसेट ऑफ एक्स, देन के इज सेड टू बी, देन के इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट सेट इन कैपिटल एक्स, देन के इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट सेट इन कैपिटल एक्स इफ एवरी ओपन कवर ऑफ के, इफ एवरी ओपन कवर ऑफ के हैज अ फाइनाइट सब कवर, हैज अ फाइनाइट सब कवर, दैट इज
इफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, वैसे ही करली ब्रैकेट में लिखिएगा, इफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी एन ओपन कवर ऑफ के, बी एन ओपन कवर ऑफ के इन कैपिटल एक्स सच दैट अगर जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स के का ओपन कवर है तो जाहिर सी बात है के कंटेन कर जाएगा यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स में. क्यों भाई? के कंटेन करेगा, एक्स होता तो बराबर हो जाता है ना. लिखिए दैट इन एक्स सच दैट के इज कंटेन्ड इन यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फा. हो गया. अब इसका क्या मिलना चाहिए? ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर. जरा देखिए, सब कवर होगा तो एक इंडेक्स बढ़ जाएगा. अभी हम बता रहे थे ना, एक इंडेक्स बढ़ा के लिख रहे हैं. देखिएगा, इसके मेंबर्स होंगे जी अल्फा, एक इंडेक्स बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? जी अल्फा आई. ये ओपन कवर है तो ये उसका क्या है? सब फैमिली, क्योंकि एक इंडेक्स बढ़ा है. मतलब करली ब्रैकेट में पहला मेंबर जी अल्फा वन, दूसरा मेंबर जी अल्फा टू, तीसरा मेंबर जी अल्फा थ्री, एनथ मेंबर जी अल्फा एन. यही डब्बा बंद कर देंगे. कितने मेंबर्स आए? एन. एन कैसी संख्या हो गई? फाइनाइट. ठीक है, लिखिए देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी, फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स ये करली ब्रैकेट में जी अल्फा वन. जी अल्फा के साथ एक इंडेक्स बढ़ा है, मतलब ये जी अल्फा का सब कलेक्शन है. जी अल्फा वन कॉमा जी अल्फा टू कॉमा जी अल्फा थ्री कॉमा डैश 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 जी अल्फा एन. अगर इसको कवर बनना होगा तो ये भी खुद के को खुद में क्या करेगा? कंटेन करेगा. सच दैट के इज कंटेन्ड इन यूनियन जी अल्फा आई, जी अल्फा आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन. देखिए, अगर हम कहीं लिखें जी बीटा के, तो जी बीटा में एक इंडेक्स बढ़ा है तो ये किसका सब कलेक्शन होगा? जी बीटा का. जी अल्फा में एक इंडेक्स बढ़ा है आई, तो ये किसका सब कलेक्शन होगा? जी अल्फा का. जी अल्फा का कलेक्शन जो के को कवर कर रहा है, मतलब सब कवर. और तो और गिनती में फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट सब कवर. और फाइनाइट सब कवर मिलता है तो वो सेट क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट. कौन सा सेट? के कॉम्पैक्ट. ठीक है, लिखिए सच दैट के इज कंटेन्ड इन यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू एन जी अल्फा आई. सब कलेक्शन की पहचान ही आयोगी कि मेन कलेक्शन में एक इंडेक्स बढ़ा दीजिए. सब कलेक्शन की पहचान ही आयोगी कि मेन कलेक्शन में एक इंडेक्स बढ़ा देंगे. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस. कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस. अब यहाँ किसके बारे में बात करेंगे? स्पेस के लिए. जब स्पेस के लिए बात करेंगे, नो नीड टू इंट्रोड्यूस के. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप के को इंट्रोड्यूस करो. ठीक है, लिखिए अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स, अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट, इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ
every open cover of x, if every open cover of x has a finite subcover, has a finite subcover. हो गया एग्जाम्पल. बोले एग्जाम्पल क्या, उसको रिमार्क कर लीजिए. दो चार रिजल्ट लिखवाएंगे हम. रिमार्क, अभी हम आपको एक थॉट दिमाग में बता रहे थे स्काई का और इस गेंद का. क्या बोले, स्काई आपका असीमित है. असीमित होने के कारण उसका ओपन कवर का फाइनाइट, जो सब कवर मिलता है वो फाइनाइट नहीं होता है. ठीक, इसका मतलब स्काई कॉम्पैक्ट नहीं है. स्काई क्यों नहीं कॉम्पैक्ट है, क्योंकि उसमें सब कवर में फाइनाइट एलिमेंट नहीं है. ये गेंद बनाया था, कॉम्पैक्ट कर दिया, इसके सब कवर में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, मतलब ये कॉम्पैक्ट है. तो किसी भी चीज़ के कॉम्पैक्ट होने के लिए ये आवश्यक है कि उसका सब कवर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, फाइनाइट हों. ठीक है, अब लिखिए इस चीज़ को. एनी फाइनाइट सेट के, एनी फाइनाइट सेट के ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट. जो भी फाइनाइट सेट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट. स्काई इनफाइनाइट था, कॉम्पैक्ट नहीं हुआ. गेंद फाइनाइट है, कॉम्पैक्ट है. ये कमरा फाइनाइट है, कॉम्पैक्ट है. तो जो चीज़ सीमित है मतलब फाइनाइट है, वो कॉम्पैक्ट है. ठीक है, अ फाइनाइट सेट के ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स इज कॉम्पैक्ट, इज कॉम्पैक्ट बिकॉज इन दिस केस, बिकॉज इन दिस केस एवरी ओपन कवर ऑफ के इज फाइनाइट. Because in this case, every open cover of K is finite. दूसरा, every finite metric space, every finite metric space is always compact. तीसरा, the usual metric space R comma D, the usual metric space R comma D is not compact because if G is equal to, क्या लिया था ओपन कवर पीछे, इफ जी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में माइनस एन कॉमा एन, एन बिलोंग्स टू एन, है ना. इफ जी इज इक्वल टू, यही बी द फैमिली ऑफ ओपन सेट, बी द फैमिली ऑफ ओपन सेट इन कैपिटल आर, इन कैपिटल आर is an open cover of capital R, is an open cover of capital R, that is, अभी पीछे आपने लिखा था, देख लीजिए जरा सा यहाँ पे,
समझिएगा मेरी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम समझा दे रहे हैं फिर बता रहे हैं। यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी आपने लिया था, आर कंटेन कर रहा था यूनियन माइनस एन कॉमा एन में, जहां एन एन का मेंबर था, तो जाहिर सी बात है माइनस एन कॉमा एन करली ब्रैकेट में एन बिलोंग्स टू एन, ये ओपन कवर बन गया। ठीक, इसका सब कवर आपने वहां पे लिया था माइनस टू एन कॉमा टू एन। ठीक है, बात को एकदम ध्यान से पकड़िएगा, ये आपने लिया था, आपको ध्यान आ रहा होगा हमने यहाँ पे n belongs to n लिखा था, तब जा करके अभिषेक देखिएगा r is equal to union minus 2n comma 2n हमने लिखा था जबकि n belongs to n था, याद आ रहा है अभिषेक? तब जा करके ये उसका सब कवर बना था, लेकिन ये तो फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब इसका ओपन कवर का सब कवर फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर हम कोशिश करते भी हैं फाइनाइट लेने की तो क्या होगा वो देखिए। मान लीजिए हमने इसका फाइनाइट सब कलेक्शन ले लिया एन नॉट कॉमा एन नॉट, ध्यान से सुनिएगा, इस सब इंटरवल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, फाइनाइट लोगों का यूनियन लेते हैं तो भी क्या आता है फाइनाइट। तो अगर हम इसका फाइनाइट सब कलेक्शन लेते हैं और उसका यूनियन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा फाइनाइट। अभिषेक ठीक है, फाइनाइट लोगों का यूनियन फाइनाइट, 10 20 30 40 100 200 300 400 10000 15000 20000 सबका यूनियन ले लीजिए तब भी अंत में एक संख्या ही मिलेगी। फाइनाइट एलिमेंट माइनस टू कॉमा टू फाइनाइट, उन सब का यूनियन लेंगे तब भी क्या आएगा फाइनाइट। क्या कभी कोई फाइनाइट संख्या इनफाइनाइट के बराबर हो सकती है? आर तो इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, क्या कभी कोई इनफाइनाइट फाइनाइट के बराबर हो सकती है? मतलब ये उसका कवर ही नहीं बनाया, कवर नहीं बनाया मतलब सब कवर नहीं बनाया, और सब कवर नहीं बनाया तो कॉम्पैक्टनेस की तो बात ही नहीं आती है। तो जब भी इसका सब कवर मिलेगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि R कैसा सेट है इनफाइनाइट। अगर आप इसको सीमित करने की कोशिश करोगे तो वो इसको कवर ही नहीं करेगा। जैसे आपका स्काई, स्काई आपका इनफाइनाइट है, आप उसको सीमित करने की कोशिश करोगे, सोचोगे जरा 100 सितारों के मैं उसको ढक दे तो वो कभी नहीं ढकाएगा, बस वही कंसेप्ट है, ये इनफाइनाइट है, इसको फाइनाइट लोगों से ढकने का सोचोगे तो कभी नहीं ढकाएगा, और जब ढकाएगा ही नहीं तो सब कवर ही नहीं बनाएगा। इसीलिए कहते हैं कि R कॉमा D आपका कॉम्पैक्ट नहीं। ठीक है, लिखिए अब इस बात को, कहाँ तक लिखा, ये लाइन लिख लिया, दैट इज लिखिए, दैट इज R इज इक्वल टू यूनियन N बिलोंग्स टू N माइनस N कॉमा N। हो गया, आगे बोले नीचे से लिखिए, बट दिस ओपन कवर ऑफ जी, बट दिस ओपन कवर ऑफ जी हैज नो फाइनाइट सब कवर, बट दिस ओपन कवर ऑफ जी हैज नो फाइनाइट सब कवर बिकॉज मान ले रहे इसमें से हम 50 मेंबर को छाट भी लिए, कितने मेंबर को छाट लिया विषय 50 को, बिकॉज अगर हमने माइनस एन कॉमा एन में से 50 को छाट भी लिया, जैसे 200 में से 100 को छाटे थे, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के कितने मेंबर छाटे 50, इसको हम नाम दे रहे हैं एन नॉट का, है ना, ये फाइनाइट, फाइनाइट लोगों का यूनियन भी फाइनाइट, और फाइनाइट सेट कभी भी इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगा, तो ये इसका ओपन कवर सॉरी सब कवर नहीं बनाएगा, सब कवर नहीं बनाएगा तो कहानी ही खत्म हो गई। ठीक है, बिकॉज एन नॉट बी एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एन
एन नॉट बी एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एन, अगर एन नॉट बड़े से बड़ा ले भी लिए, 50 ले लिए, 100 ले लिए, 200 ले लिए, 400 ले लिए, तो 400 लोगों का यूनियन भी तो सीमित ही होगा। फाइनाइट लोगों का यूनियन हमेशा कैसा होता है? फाइनाइट। बस एक सिंपल सी बात जानिए, द यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, देन क्लियरली आर, या देखिए आर डज नॉट इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 to एन नॉट इतना। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट कभी भी फाइनाइट में कंटेन नहीं करेगा। देन क्लियरली ये जब स्पेस की बात आती है तो हमेशा इक्वल टू लगता है, है ना, और जब सेट की बात आती है तो हमेशा कंटेनमेंट लगता है। हो गया, विच इज नॉट द सब कवर ऑफ कैपिटल आर, विच इज नॉट द सब कवर ऑफ कैपिटल आर, विच इज नॉट द सब कवर ऑफ कैपिटल आर। नीचे से लिखिए हैंस आर कॉमा डी इज नॉट कॉम्पैक्ट, हैंस आर कॉमा डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, ये थ्योरम आपका कई साल पूछा गया है, मतलब इधर में, ठीक है छोटा सा ही लेकिन कई बार पूछ लिया है। लिखिए द ओपन इंटरवल 0, 1, द ओपन इंटरवल 0, 1 इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। चलिए देखिए, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में अगर कोई भी ओपन इंटरवल आप लेते हो तो उस ओपन इंटरवल में कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे? इनफाइनाइट। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, है ना, और आपको पता है कोई भी इनफाइनाइट सेट कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होता है, जैसे आपका स्काई। ठीक है, तो आपको यही दिखाना है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ, लिखिए टू शो ओपन इंटरवल 0, 1, टू शो ओपन इंटरवल 0, 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी। क्या मतलब हुआ इस बात का कि 0, 1 का अगर हम कोई आर्बिटेरी ओपन कवर लेंगे तो उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, फाइनाइट सब कवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, 1 का ओपन कवर डिफाइन करेंगे। ओपन कवर डिफाइन करने के बाद हम उसका फाइनाइट सब कवर ढूंढेंगे, अंततः ये पाएंगे कि उसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है। जब ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा तो वो सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए ओपन इंटरवल 0, 1 को हम के मान ले रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लिखिए लेट के इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0, 1,
अब आप ऐसे समझिए कि आपको केक को कॉम्पैक्ट दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो केक का सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ओपन कवर। सच दैट, नीचे से लिखिएगा, सच दैट जी इज इक्वल टू, ध्यान देखिए, जी इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस टू कॉमा वन अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू एन। ये आपको याद करके जाना पड़ेगा, चेक करने चल रहा है कि ये ओपन कवर 0,1 का होगा या नहीं। अगर ये 0,1 का ओपन कवर होगा तो 0,1 मतलब k इज इक्वल टू 0,1 इसी के यूनियन में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। हम लिख करके दिखा रहे हैं इसको, देखिएगा। नेचुरल नंबर है, पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, 1/3,1। दूसरा एलिमेंट 1/4,1/2। तीसरा एलिमेंट 1/5,1/3। नेक्स्ट एलिमेंट 1/6,1/4। ठीक, आखिरी पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो 1/∞ 0। अमृता ठीक है, 0 1/∞ + 2 1/∞ 1/∞ का मतलब 0 और 1/∞ मतलब 0 सिंगलेटन 0। ठीक है, देखिए ये 0 1। ठीक, पहला है 1/3,1। 1/3 का मतलब होता है 0.3, ये आपका है 1/2, इससे कुछ कम, ये 1/3,1। 1/4,1/4,1/2 1/5,1/3 1/6 कवर कर रहा है, मतलब ये वाला जो स्लॉट है ये इधर सरक रहा है, किसको कवर कर रहा है, 0 को, और 1 तो 1 को कवर कर ही चुका है, तो ये सारे इंटरवल इधर घिसकने का काम कर रहे हैं, इधर घिसक के किसको कवर कर रहे हैं, 0 को। तो जब आप इन सब का यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, 0,1। मतलब ये लिखा जा सकता है 1/3,1 यूनियन 1/4,1/2 यूनियन 1/5,1/3 यूनियन --। आखिरी वाले को लिखते नहीं है कभी भी, क्योंकि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, टेंड करता है। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1 कंटेन कर जाएगा यूनियन 1/n + 2,1/n में, जहाँ n n का मेंबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0,1 कंटेन कर जाएगा यूनियन ऑफ gn में, जहाँ n n का मेंबर होगा। अगर k इसमें कंटेन कर गया तो ये इसका ओपन कवर होगा। ओपन कवर तो मिल गया, अब उसका फाइनाइट सब कवर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ तक लिखा, सच दैट ये लाइन लिखिए यहाँ तक, सच दैट के बाद वाली लाइन लिखिए, हो गया इसके नीचे से लिखिए, देन G is an open cover of K because 1, 2, 3 ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन,
वो क्या? आगे बढ़ी। चलिए अब हमको दिखाना है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। उल्टा मान लीजिए ये कॉम्पैक्ट है। अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा। मान लीजिए कि जी डैश इज इक्वल टू, ये सब ओपन इंटरवल के फॉर्म में है, इसलिए ए वन कॉमा बी वन, ए टू कॉमा बी टू, ए थ्री कॉमा बी थ्री, ए एन कॉमा बी एन, ये इसकी फाइनाइट सब फैमिली है। बस इतना दिखा दीजिए कि ये फाइनाइट सब फैमिली इसको कवर नहीं कर रही है। अगर फाइनाइट सब फैमिली इसको कवर नहीं करेगी तो उसका सब कवर नहीं बनाएगी। सब कवर नहीं बनाएगी तो आर्बिटेरी ओपन कवर का सब कवर नहीं मिला। नहीं मिला इसका मतलब वो सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, आ रहा है कुछ कुछ समझ में? बाउंस हो जाए तो बता दीजिएगा। बस यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को आपको पकड़ना है। जिसको कॉम्पैक्ट दिखाना हो उसका ओपन कवर लीजिए, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर ढूंढिए। फाइनाइट सब कवर मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए, लिखिए, लेट जी डैश इज इक्वल टू उतना, लेट जी डैश इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट वाला, बी द फाइनाइट सब फैमिली ऑफ जी, बी द फाइनाइट सब फैमिली ऑफ जी, बी द फाइनाइट सब फैमिली ऑफ जी। नीचे से लिखिए लेट। देखिए एक चीज बताएं, आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, पहले वाले स्लॉट का मिनिमम लेते हैं, दूसरे वाले स्लॉट का मैक्सिमम लेते हैं। क्या होता है अभिषेक, देखिएगा क्या होता है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए सिक्स, ए फाइव लिखा है, मिनिमम लेंगे। ठीक है अभिषेक, और जब किनारे वाले का मैक्सिमम लेते हैं तो वो इधर घिसकता है, पहला वाला स्लॉट इधर, दूसरा वाला स्लॉट उधर, तो इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की क्षमता रखता है। ये आपके डेड काइंड्स में बताया गया था कि किसी भी इंटरवल में जो पहले वाले स्लॉट्स होते हैं उनका मिनिमम लेंगे तो इधर घिसकेंगे, मैक्सिमम लेंगे तो उधर घिसकेंगे, तो वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने में कंटेन कर ले जाता है। ठीक है, तो हमेशा पहले वाले स्लॉट का क्या लेते हैं, मिनिमम, दूसरे वाले स्लॉट का मैक्सिमम। ठीक है, लिखिए लेट, देखिएगा ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन का मिनिमम जो है मान ले रहे सी के बराबर है, यही किसके बराबर है, सी के। लिखिए लेट सी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डैश 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 ए एन, ठीक है। अब देखिए समझा रहे हैं, ये आप लोग ने तब पढ़ा था जब आप लोग हमेशा कहते थे कि लेफ्ट हैंड वाले को नेगेटिव, राइट हैंड वाले को पॉजिटिव लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, हर थ्योरम में ये बात पढ़ते थे, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए देखिए, देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कोई इंटरवल है a1 कॉमा b1,
कोई इंटरवल है ए टू कॉमा बी टू, कोई इंटरवल है ए थ्री कॉमा बी थ्री, कोई इंटरवल है ए एन कॉमा बी एन। क्या बताए हम, ए वाले का हमेशा मिनिमम लेते हैं, बी वाले का हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, तभी वो स्लॉट को कवर करता है। अगर ए का मैक्सिमम लेंगे तो उधर बढ़ेंगे, पता है ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तो इधर वाला कम होता है, उधर वाला हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर ए का मैक्सिमम लेते तो ये मिल जाता, मिनिमम लेते तो ये मिल जाता, तो वो कम से कम को कंटेन करता है। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन कराने का ये नियम होता है डेट काइंस में था, कि हमेशा पहले वाले का मिनिमम लीजिए और बाद वाले का मैक्सिमम लीजिए, लेफ्ट हैंड वाले का मिनिमम, राइट हैंड वाले का मैक्सिमम। तभी सुविधा के लिए लेफ्ट हैंड वाले पे हमेशा लिमिट नेगेटिव मानते थे, राइट हैंड वाले पे हमेशा पॉजिटिव मानते थे। तीन ही बात, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, जिस भी थ्योरम में, मीन वैल्यू थ्योरम, डारबॉक्स थ्योरम, इन सब थ्योरम में जब भी आपको वैल्यू जीरो दिखाना होता था तो मानते थे जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी तो क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अपनी सुविधा के लिए लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानते थे, राइट वाले को पॉजिटिव, क्योंकि यही नियम चला आ रहा है, हमेशा लेफ्ट में नेगेटिव मिलता है और राइट में पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, अब इन सब का जब आप यूनियन लोगे, ये सी है, ठीक है, ये निकला कहाँ से है, इसमें से, और ये फलाना क्वांटिटी किसको कंटेन कर रही है, 0.1 को, इसी में से सब कलेक्शन लिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 से तो बाहर जाएंगे नहीं, है ना। तो जब आप इन सब का यूनियन लोगे, A1, B1 यूनियन A2, B2 यूनियन A3, B3 देखिएगा AN, BN। अभी हमने बताया कि जब आप सबका यूनियन लेते हो तो पहले वाले का मिनिमम मिलता है, मिनिमम कौन है, C, और दूसरे वाले का मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम कौन है, 1। ये इसी में क्या करेगा, कंटेन कर जाएगा, हमेशा पहले वाले स्लॉट का मिनिमम, दूसरे वाले स्लॉट का मैक्सिमम, पहले वाले स्लॉट का मिनिमम सी, मैक्सिमम कभी भी 1 से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लिखिए, देन ये लाइन, हो जाए तो बताइएगा हमको, हो गया, अब समझिए, ये जीरो है, ठीक है, जीरो, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है 1। अगर इसके हिसाब से हम 0.1 को लिखना चाहें तो 0.1 को हम लिख सकते हैं, 0.1 कंटेन करेगा 0.C में, यूनियन C.1 में, 0.C में, 0 पे ओपन, 0 पे ओपन, C पे क्लोज्ड बनाने का मतलब इसको हमने यहाँ ले लिया है, तो जब C इसमें आ गया है तो C अब इसमें नहीं होगा डेड काइंस के कारण, तो यूनियन C.1, ठीक है, ये इन दोनों के यूनियन से लिखा जा रहा है, इसका मतलब 0.1 कंटेन नहीं करेगा केवल और केवल C.1 में। ये पेन, यहाँ देखिए, ये पेन इसके और इसके यूनियन से बना है, ये पेन इसके और इसके यूनियन से बना है, तो क्या ये पेन अकेले इसके बराबर होगा, नहीं, ये पेन इसके इसके यूनियन से बना है तो क्या ये पेन अकेले इसके बराबर होगा, नहीं।
तो जब ये इसमें कंटेन ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है 0.1, इस पर आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, कंटेन नहीं करेगा a1, b1 यूनियन a2, b2 यूनियन a3, b3 और यूनियन --an, bn में। और जब इसमें कंटेन नहीं करेगा तो इसका ओपन कवर नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप यहाँ पे इक्वल टू ही लगा दीजिएगा, उतार लीजिए। कुछ लिखे हैं, कैसे उतार रहे हैं? हाँ, कुछ लिखवाना है हमको। लेट सी इज इक्वल टू इतना देन इतना, नीचे से लिखिए क्लियरली, यहाँ लिखिएगा क्लियरली हो गया। जब ये इसको कवर ही नहीं कर रहा है तो इसका ओपन कवर मतलब सब कवर नहीं बनाएगा। नीचे से लिखिए 10, इसके नीचे से लिखिएगा 10, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ जी which covers open interval 0.1 नीचे से लिखिए hence 0.1 is not compact. Hence, 0.1 is not compact. समझ में आया? चलिए अब हम लोग अपने मेन थ्योरम्स पे अप्रोच कर रहे हैं। एक थ्योरम लिख लीजिए, जितना हो पाएगा बाकी छुड़वा देंगे। बस आज सर का क्लास नहीं रहेगा, मेरा ही रहेगा। ठीक है, लिखिए थ्योरम, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। लिखिए लेट K is subset of Y and Y is subset of X. Let K is subset of Y and Y is subset of X. Then prove that. Then prove that K is compact in X. If and only if K is compact in Y. Where Y is subspace of a metric space capital X. ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि x, d हमारा कोई मैट्रिक स्पेस है। उल्टा पढ़िए, x में कौन कंटेन कर रहा है? y x में कंटेन कर रहा है, साथ ही साथ सब स्पेस है, सब स्पेस है
मतलब खुद में मैट्रिक स्पेस फॉर्म कर रहा है। दूसरा पढ़िए, के इज कंटेन्ड इन वाई, के इज कंटेन्ड इन वाई। पहले केस में कह रहा है कि के इज कॉम्पैक्ट इन एक्स, तो आपको शो करना है के इज कॉम्पैक्ट इन वाई और वाइस वर्सा, कि के वाई में कॉम्पैक्ट होगा तो एक्स के में भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। यही थ्योरम है। पहली दफ़ा मान लेंगे के इज कॉम्पैक्ट इन एक्स, शो करेंगे के इज कॉम्पैक्ट इन वाई। दूसरे केस में मान लेंगे के इज कॉम्पैक्ट इन वाई, शो करेंगे के इज कॉम्पैक्ट इन एक्स। जरा बेसिक चीज़ इसका समझिएगा। पहले केस में मान ले रहे लेट के इज कॉम्पैक्ट इन एक्स, हमने मान लिया ये एक्स में कॉम्पैक्ट है, मतलब एक्स में अगर हम कोई ओपन कवर लेंगे तो उसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा, कोई दिक्कत। क्या शो करना है, टू शो के इज कॉम्पैक्ट इन वाई। के को कहाँ कॉम्पैक्ट शो करना है, वाई में। तो के का जो ओपन कवर आप लोगे वो वाई में लोगे, और इसका फाइनाइट सब कवर भी वाई में ढूंढोगे। ये तरीका होता है। अगर वाई में प्रूफ करना है तो वाई में ओपन कवर लेंगे और सब कवर भी कहाँ ढूंढेंगे, वाई में। अगर एक्स में प्रूफ करना है तो ओपन कवर एक्स में लेंगे, ढूंढेंगे भी कहाँ, एक्स में। ये बेसिक पॉइंट था, माइन्यूट चीज़ थी। अगर वाई में प्रूफ करेंगे तो वाई में ओपन कवर लेंगे, एक्स में प्रूफ करेंगे तो एक्स में ओपन कवर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लिखिए, प्रूफ लिखिए, लिखिए लेट के इज कॉम्पैक्ट सेट, लेट के इज कॉम्पैक्ट सेट। अमृता स्केच से मत लिखा करिए, जानती हैं क्यों, जब आप 8 से 10 साल बाद नोट्स उठाएंगी तो स्केच आपका फैला हुआ मिलेगा और आपको पीछे पन्ने पे लिखा हुआ दिखेगा नहीं। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं वो नोट्स हमने 13 साल बाद उठाया, मतलब 13 साल पुराना नोट्स है, मेरा नोट्स है। तो हम ये मतलब नोटिस किया भी है, जिस बच्चे की है वो स्केच पेन फैल जाता है, तो अगर भविष्य के लिए नोट्स को सुरक्षित रख रही हैं तो स्केच मत यूज़ किया करिए। उसका तो हमको आइडिया नहीं है कि वो फैलता है कि नहीं फैलता, लेकिन भविष्य में मतलब ये पेन्स जो होते हैं आपके कॉपी को ख़राब कर देते हैं, तो वो नोट्स फिर काम का नहीं रहता है। लिखिए लेट के इज कॉम्पैक्ट सेट इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। नीचे से लिखिए टू शो के इज कॉम्पैक्ट इन वाई, टू शो के इज कॉम्पैक्ट इन वाई, टू शो के इज कॉम्पैक्ट इन वाई। लिखिए, ये देखिए, इसीलिए अभी हम कहें ना, अभी हम देखें तुरंत ही। लिखिए लेट, लेट, चलिए ओपन कवर लेना है, ओपन कवर लेना है किस में, वाई में। लेट वी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ठीक है। लिखिए लेट वी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, बी एन ओपन कवर ऑफ के इन कैपिटल वाई, बी एन ओपन कवर ऑफ के इन कैपिटल वाई। बताइए क्या क्या खासियत होगी इसकी, ओपन कवर है किसका, वाई का। तो एक तो ये कहाँ ओपन सेट होगा, वाई में। दूसरी बात, ये वाई को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा या कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। वेयर कॉमा देकर के लिखिएगा, वेयर, वेयर ईच वी अल्फा इज एन ओपन सेट इन कैपिटल वाई, वेयर ईच वी अल्फा
is an open set in capital Y, is an open set in capital Y. एक तो ये open set, दूसरी बात किसको cover कर रहा होगा, K को. Such that K contained in union V alpha, alpha belongs to index equation number 1. ऐसी तोड़ तोड़ के पढ़िए. ओपन कवर मतलब ओपन सेट्स जो उसको क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ पुरानी बातें याद करें. अगर वाई में ओपन सेट लेते थे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट एक्स में मिलता था इस प्रकार से कि एक्स वाले का वाई से इंटरसेक्शन लेने पर वाई वाला ओपन सेट आता था. कुछ थोड़ा बहुत पहुंचा? लिखते थे कि E इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन G. अगर कोई ओपन सेट Y में लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट G X में मिलता है इस प्रकार से कि X वाले का Y से इंटरसेक्शन लेने पर Y वाला ओपन सेट मिलता है. ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, नेबरहुड, सब में ये रिजल्ट होल्ड करता है, केवल और केवल क्लोजर के, क्लोजर को छोड़ करके बाकी सब में ये रिजल्ट होल्ड करता था. ठीक है, ऐसे ऐसे खूब गर्दन हिल रही है, सब दिमाग से निकला पड़ा है, कुछ नहीं याद है. चलिए लिखिए नीचे से. सिंस ईच वी अल्फा इज एन ओपन सेट इन कैपिटल वाई, सिंस ईच वी अल्फा is an open set in capital Y, since each V alpha is an open set in capital Y and Y is a subspace of capital X and Y is a subspace of capital X, then there exists an open set G alpha, alpha belongs to index in capital X, then there exists an open set G alpha, comma, alpha belongs to index in capital X, such that, क्या बताए, X वाले का Y से intersection लेने पर Y वाला ओपन सेट मिलता है. फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स बेसिस में भी ये रूल होल्ड होता था. ठीक है, लिख लीजिए इसको, मानिएगा इक्वेशन नंबर 2. हो गया, 2 का यूज 1 में कर दीजिए, वी अल्फा का मान रख दीजिए, है ना. यूजिंग इक्वेशन 2, in equation 1, comma, we have, using equation 2, in equation 1, comma, we have, देखिए blackboard पे calculation, K is contained in union, alpha belongs to index, V alpha की जगह Y intersection G alpha, this implies K is contained in, union किस पे लग रहा है, अल्फा पे, जहां जहां अल्फा होगा वहां वहां यूनियन जाएगा, जहां जहां अल्फा नहीं होगा वहां वहां यूनियन नहीं जाएगा. यूं कह लीजिए कि अगर यूनियन इस पे आएगा भी तो वाई का वाई से यूनियन लेने पर वाई के बराबर, आइडम्पोटेंट. तो वाई, वाई इंटरसेक्शन इस पे आएगा, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फा. ठीक है अभिषेक, दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेने पर सेट छोटा होता है. ए इंटरसेक्शन बी छोटा हो गया, किससे किससे, ए से भी और बी से भी, तो ये कंटेन करेगा यूनियन इसमें भी और इसमें भी, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फा. क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेन करता है और ए इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेन करता है. ए इंटरसेक्शन बी को हमने बी में कंटेन दिखा दिया. ठीक है,
दिस इम्प्लाइज दैट के इज कंटेंड इन यूनियन जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये क्या भाई, जी अल्फा कहाँ ओपन था, एक्स में। ओपन सेट्स का कलेक्शन जो के को कवर कर रहा है, तो ये के का ओपन कवर होगा कहाँ पे, एक्स में। मतलब जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन कवर, ओपन सेट्स का कलेक्शन जो के को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कहाँ पे, एक्स में। ठीक, लेकिन एक्स में तो ये कॉम्पैक्ट था, तो ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलेगा, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलेगा। ठीक है, लिखिए इतनी बातें, ये उतारिए यहाँ से। आप लोग में से कोई पांडेहाता की तरफ से आता है, पांडेहाता की तरफ से? पांडेहाता घंटाघर देख रही हैं? घंटाघर से एक रायगंज निकलता है, एक बगल में छोटी सी गली निकलती है, वो पांडेहाता जाती है। पांडेहाता गोरखपुर का बड़ी फेमस जगह है। आप लोगों का घूमा हुआ नहीं है। खैर, हमको अब पता चला कि वो पांडेहाता था, हमको भी अभी तक कभी नहीं पता था कि वो पांडेहाता। हम तो बेसिकली गोरखपुर के हैं, उतना घूमने की आदत नहीं थी ना, अब कि पांडेहाता घूम रहे हैं। हम तो घंटा ही घर कम घूमे हुए थे, हमको क्या पता था यहीं आ जाएंगे। क्या चीज़ नहीं समझे? नहीं, अल्फा अगर यहाँ है तो आपको भी अल्फा ही लेना पड़ेगा। ये यहाँ अल्फा कहाँ था, इंडेक्स में। आप कोई और भी ले सकते, तो यहाँ से ही चेंज कर दीजिएगा। हाँ, कुछ भी ले सकते, लेकिन फिर वो शुरुआत से अंत तक एक ही रहेगा। बेसिकली हमारे मुंह से इंडेक्स ही ज़्यादा निकलता है। कुछ लोग इंडेक्स डैश भी लेते हैं, कुछ लोग तो अल्फा को ही इंडेक्स बना देते हैं। नहीं, रियल नंबर इंडेक्स नहीं होता। इंडेक्स का मतलब होता है काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब ये होता है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स का मतलब अल्फ़ा का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3/2 नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब इसका अल्फ़ा की गिनती आपको जहाँ तक इच्छा वहाँ तक ले लीजिए। आपका मन करे तो 50 तक ले लीजिए, आपका मन करे तो 500 ले लीजिए, आपका मन करे तो अप टू इनफाइनाइट ले लीजिए। अप टू इनफाइनाइट मतलब जहाँ तक गिनती आती है वहाँ तक। तो उसमें 3/2, 1/2 ये सब मत लीजिएगा, केवल काउंटिंग नंबर्स। जब काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं कि मेरा जो मन करे हम वो काउंटिंग नंबर लेंगे, तो इंडेक्स आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर लिख देते एन, तो ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता, लेकिन इंडेक्स ये शो करता है कि ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। ठीक है, इसलिए इंडेक्स लिखते हैं, मतलब स्वैच्छिक, मेरी मर्जी का है वो। आगे बढ़े, इसके नीचे से लिखवाएं, नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स, इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स, इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स विच कवर्स कैपिटल के, विच कवर्स कैपिटल के। ठीक है, नीचे से लिखिए, दस, दस यही करली ब्रैकेट में, जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन कवर ऑफ के इन कैपिटल एक्स, इज एन ओपन कवर ऑफ के इन कैपिटल एक्स। ये एक्स के रिस्पेक्ट में के का क्या बनाएगा, ओपन कवर। लेकिन के तो कॉम्पैक्ट है, तो इस ओपन कवर का क्या एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट सब कवर।
लिख लीजिए थोड़ा सा, लिखिए नीचे से लिखिए, सिंस के इज कॉम्पैक्ट सेट इन कैपिटल एक्स, सिंस के इज कॉम्पैक्ट सेट इन कैपिटल एक्स, नीचे से लिखिए, देन देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर, देन देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर, लिखवाइए इसका फाइनाइट सब कवर, बोलिए किसका फाइनाइट सब कवर चाहिए, जी अल्फा का, तो एक इंडेक्स पढ़ा दीजिए, जी अल्फा वन, जी अल्फा टू, जी अल्फा थ्री, जी अल्फा एन, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर, लिखिए करली ब्रैकेट में जी अल्फा वन कॉमा जी अल्फा टू कॉमा जी अल्फा थ्री कॉमा डैश 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 जी अल्फा एन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इन कैपिटल एक्स सच दैट, अगर ये सब कवर है तो ये भी के को क्या करेगा, कवर करेगा, जी अल्फा आई, आई का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, वन से एन, ठीक है, लिखिए, डाउट हो तो भाई रुक के हमसे पूछ लीजिएगा, है ना, हमको नहीं समझ में आता आप लोगों को कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं, बस थोड़ा हम एक्सप्रेशन देख के समझते हैं, अब मन के मन में किसके क्या है, सामने मुस्कुरा रहा है तो हमको क्या पता, है ना, तो प्लीज़ पूछ लिया करिए, हो गया इतना, आगे बढ़े, कन्वर्ट करना है इसको इसके सब कवर में, किसके सब कवर में, वी अल्फा के, तो वी अल्फा का सब कवर तब मिलेगा जब आप इसका वाई से इंटरसेक्शन ले लो, जी का किससे इंटरसेक्शन ले लो, वाई से, उसमें वाई से इंटरसेक्शन ले रहे, कई बार आपको बताएं वाई से इंटरसेक्शन केवल आप तभी ले सकते हैं जब ये वाई में कंटेन कर रहा हो, अगर ये वाई में कंटेन नहीं करेगा तो इंटरसेक्शन लेने पर यहाँ पे बड़ा सारा फाई आ जाएगा, है ना, सिंस के इज कंटेंड इन वाई तभी आप दोनों पक्षों में वाई से इंटरसेक्शन ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, ठीक है, इंटरसेक्शन लेने पर छोटा सेट मिलता है, दोनों में छोटा कौन है, के, ठीक है, इस कंटेंड इन, ये आई पे लग रहा है, यहाँ आई नहीं है तो ये इससे इंडिपेंडेंट होगा, तो इसको चाहे बाहर रखें या अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभिषेक ठीक है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए, इन दोनों को अंदर इंसर्ट कराएंगे, क्यों, क्योंकि ये आई पे डिपेंड करता है, इस पे आई नहीं है, तो इसको चाहे अंदर रखें चाहे बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे यहाँ पे अंदर था तो हमने बाहर कर दिया था, यहाँ बाहर है तो हमने कहाँ कर दिया, अंदर कर दिया, लेकिन ये दोनों हमेशा चिपके हुए जाते हैं, पेस्टिंग होती है इन दोनों की, अगर अंदर है तो बाहर भी दोनों साथ में चिपके हुए आएंगे, और अगर बाहर है तो अंदर भी दोनों साथ में पेस्ट होकर के जाएंगे, ठीक है, दिस इम्प्लाइज के इज कंटेंड इन यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई इंटरसेक्शन जी अल्फा की जगह वी अल्फा, तो जी अल्फा आई की जगह वी अल्फा आई फ्रॉम इक्वेशन टू, लेकिन भाई ये वी अल्फा आई किसका सब कलेक्शन होगा, वी अल्फा का, ऊपर से के को खुद में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, सब कलेक्शन कवर कर रहा है, सब कवर बना दिया, तो अगर सब कवर मिल गया और तो और खुशखबरी फाइनाइट है, तो इसका मतलब सेट कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, उतारिए,
हो गया। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज वी अल्फा आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन, दिस इम्प्लाइज वी अल्फा आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन बी द फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ, बी द फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ वी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, बी द फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ वी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, हो गया, विच कवर्स के, विच कवर्स के, हो गया। नीचे से लिखिए, हैंस, हैंस वी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, हैज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ के इन वाई, हैज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ के, कैपिटल के इन वाई। नीचे से लिखिए, दस के इज कॉम्पैक्ट सेट इन वाई, दस के इज कॉम्पैक्ट सेट इन वाई, हो गया। कन्वर्सली, कन्वर्सली अब कि हम कहाँ कॉम्पैक्ट मानेंगे, वाई में, कहाँ कॉम्पैक्ट दिखाएंगे, एक्स में। प्रूफ अगले टर्न पे कराएंगे, दो चार लाइन लिख के छोड़ दीजिए। लिखिए, लेट के इज कॉम्पैक्ट इन वाई, लेट के इज कॉम्पैक्ट सेट इन कैपिटल वाई। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट के इज कॉम्पैक्ट सेट इन कैपिटल एक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट के इज कॉम्पैक्ट सेट इन कैपिटल एक्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट। हाँ।